हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज है 16 मार्च 2019 और यह हमारी 101वीं क्लास है। 12 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम और आपके नॉलेज की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इन क्वेश्चन को आप नोट कर लें, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताते हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी वेबसाइट कौन सी बनी है? इसका सही ऑप्शन है dainikbhaskar.com। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी वेबसाइट बनी है dainikbhaskar.com। यह दैनिक भास्कर समूह की न्यूज वेबसाइट है। इसे इंटरनेशनल संस्था कॉम्स स्कोर ने इंडिया में सबसे बड़ी हिंदी वेबसाइट बताया है। इस साइट के 3,35,00,000 विजिटर हैं। तो आपको याद रखना है, भारत की सबसे बड़ी वेबसाइट बनी है dainikbhaskar.com। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? तो इसका सही ऑप्शन है कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अपने नाम की है। इसने महाराष्ट्र को 8 विकेट से हराकर यह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अपने नाम की है। अब बात आई है कर्नाटक की, तो मैप में आपको कर्नाटक के बारे में बता दें, ये जगह है कर्नाटक को दर्शाती है। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी। गवर्नर है बजू भाई वाला। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं एचडी कुमार स्वामी और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। तो इतना आपको कर्नाटक के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में पियरा मेंटा इसकी माउंटेनियरिंग रेस कहां आयोजित की गई है? इसका सही ऑप्शन है फ्रांस। हाल ही में फ्रांस में पियरा मेंटा इसकी माउंटेनियरिंग रेस आयोजित की गई है। आपको बता दें, फ्रांस के ब्लू फोर्ट में यह रेस आयोजित की गई है। इसमें 600 पर्वतारोही भाग लेंगे। आपको बता दें, -1 डिग्री तापमान में स्कीइंग की जाएगी। यह रेस दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इसकी माउंटेनियरिंग रेस है। इसकी शुरुआत 1986 यानी 1986 में की गई थी और इसका यह 34वां संस्करण है। इस साल जो 2019 में फ्रांस के ब्लू फोर्ट में आयोजित की जा रही है, यह पियरा मेंटू इसकी माउंटेनियरिंग रेस, इसका यह 34वां संस्करण है। आपको बता दें, यह रेस 10 किलोमीटर की होती है। तो इतना आपको इस रेस के बारे में याद रखना है कि यह 1986 में शुरू हुई थी, 34वां संस्करण है 2019 में, और यह 10 किलोमीटर लंबी रेस है और -1 डिग्री सेल्सियस में यह रेस की जाती है। अब बात आई है फ्रांस की, तो मैप में आपको फ्रांस के बारे में बता दें, ये जगह है फ्रांस को दर्शाती है। फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस की करेंसी है यूरो। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमानुएल मैक्रोन। तो इतना आपको फ्रांस के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक NRI वोटर है? इसका सही ऑप्शन है केरल। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक NRI हैं केरल में। आपको बता दें, केरल में अप्रवासी भारतीयों की संख्या 66,584 है। एक बार फिर आपको बता दें, भारत के केरल राज्य में NRI वोटरों की संख्या 66,584 है। 2014 के मुकाबले यह संख्या 5 गुना बड़ी है। अगर बात की जाए पूरी NRI आबादी की, तो भारत में 1,30,00,000 NRI हैं। आपको बता दें, 2018 में एक बिल पास हुआ था, जिसके अनुसार अप्रवासी भारतीय भी अपना वोट दे सकते हैं। इस बिल में ये भी कहा गया था कि जो वोट है वह ऑनलाइन भी NRI कर सकते हैं। आपको बता दें, NRI वोटर्स की यह रिपोर्ट चुनाव आयोग और विदेश मंत्रालय ने हाल ही में जारी की है और इसमें सबसे अधिक जो NRI वोटर हैं वह केरल में हैं। NRI का तो आप जानते ही हो, NRI मतलब अप्रवासी भारतीय। अब बात आई है केरल की, तो मैप में आपको केरल के बारे में बता दें, ये जगह है केरल को दर्शाती है। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी। केरल के गवर्नर हैं पी सथाशिवम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम। तो इतना आपको केरल के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हाल ही में किस IIT ने इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशन इजाद की है? तो इसका सही ऑप्शन है IIT खड़गपुर।
हाल ही में आईआईटी खड़गपुर ने इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशन का इजाद किया है। इस एप्लीकेशन से आप नकली नोट और असली नोट का पता कर सकते हैं। इसे आप अपने स्मार्टफोन में भी इंस्टॉल कर सकते हैं और इसके बाद नोट की क्लिक करके आप ऐप पर अपलोड करें और आपको ऐप नोट असली है या नोट नकली है इसकी जानकारी दे देगा। अब बात आइए आईआईटी खड़गपुर की, तो आपको इसके बारे में बता दें, आईआईटी खड़गपुर की स्थापना 1951 यानी 1951 में की गई थी। आईआईटी खड़गपुर पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में स्थित है। इसका आदर्श भाव है योगः कर्मसु कौशलम। ये आईआईटी खड़गपुर का आदर्श वाक्य आपको याद रखना है। इसका मोटो है योगः कर्मसु कौशलम। ये आईआईटी खड़गपुर का मोटो है। आपको बता दें भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान भी घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसने वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो इसका सही ऑप्शन है हमारे राष्ट्रपति जी ने। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं। इस बार 2 कीर्ति चक्र, 1 शौर्य चक्र, 15 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 1 उत्तम सेवा मेडल, 15 अति विशिष्ट सेवा मेडल और 14 शौर्य चक्र प्रदान किए गए हैं। अब बात आई है राष्ट्रपति जी की, तो आपको इनके बारे में बता दें, इन्होंने हाल ही में गांधी शांति पुरस्कार भी प्रदान किए और इसके अलावा नारी शक्ति पुरस्कार भी हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने प्रदान किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में फोरम ऑफ यंग ग्लोबल लीडर्स की रिपोर्ट में किस भारतीय को शामिल किया गया है? इसका सही ऑप्शन है नारा लोकेश, पूनम महाजन, मनु कुमार जैन और फणीन्द्र शर्मा। इन चारों को फोरम ऑफ यंग ग्लोबल लीडर्स की रिपोर्ट में शामिल किया गया है। आपको बता दें नारा लोकेश आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री हैं, पूनम महाजन बीजेपी से सांसद हैं, मनु कुमार जैन शायोमी इंडिया के हेड हैं और फणीन्द्र शर्मा ये तेलंगाना के चीफ इनोवेशन ऑफिसर हैं। आपको बता दें सेव लाइफ फाउंडेशन के पीयूष तिवारी और क्ले क्वाइन फिन के संस्थापक सुचरिता मुखर्जी को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। अब ये फोरम ऑफ यंग ग्लोबल लीडर्स ये रिपोर्ट होती क्या है इसके बारे में बता दें, यह लिस्ट WEF, आपको याद रखना है यह लिस्ट WEF यानी विश्व आर्थिक फोरम द्वारा जारी की जाती है, जिससे विश्व के जो टॉप युवा होते हैं उनकी प्रतिभा के अनुसार उन्हें इस लिस्ट में शामिल किया जाता है। आपको बता दें WEF की स्थापना 1971 यानी 1971 में विश्व आर्थिक फोरम की स्थापना की गई थी और WEF का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। तो आपको इतना इस रिपोर्ट के बारे में याद रखना है और यह रिपोर्ट 1971 में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य की सिरसी सुपारी को GI टैग दिया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक की सिरसी सुपारी को GI टैग दिया गया है। यह सुपारी सिरसी और एल्लूपुर आदि एरिया में पाई जाती है। आपको मैं 2 दिन से रेगुलर बता रहा हूँ ये GI टैग क्या होता है। GI टैग का फुल फॉर्म जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। यह सिर्फ 10 वर्ष तक के लिए वैध होता है। जो चीजें एक पर्टिकुलर जगह पर पाई जाती हैं या एक स्थान पर ही पाई जाती हैं, उन्हें यह GI टैग दिया जाता है। अभी तक केरल के मरयूर गुड़ को, तमिलनाडु की इरोड हल्दी को, नागपुरी संतरे को, कश्मीरी पश्मीना को, तिरुपति लड्डू को, दार्जिलिंग चाय को, इंदौर के चमड़े के खिलौने को भी GI टैग दिया गया है। तो आपको याद रखना है हाल ही में सिरसी सुपारी का GI टैग कर्नाटक को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका सही ऑप्शन है DRDO। हाल ही में DRDO ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। राजस्थान के पोखरण में इस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये पूर्णतः स्वदेशी निर्मित मिसाइल है। आपको बता दें इस मिसाइल की मारक क्षमता 2.5 किलोमीटर है। इसे कंधे पर रखकर भी चलाया जाता है और
यह डी और नाइट दोनों में इसे दागा जा सकता है। आपको बता दें अभी तक इस मिसाइल का नामकरण नहीं किया गया है, तो आपको याद रखना है हाल ही में 2.5 किलोमीटर की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण डीआरडीओ द्वारा किया गया है। अब बात आई है डीआरडीओ की, तो आपको डीआरडीओ के बारे में बता दें, डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और डीआरडीओ के हेड है जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ का मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम, तो इतना आपको डीआरडीओ के बारे में याद रखना है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दें, हाल ही में डीआरडीओ ने सैनिकों के लिए कुछ दवाइयां विकसित की हैं जो युद्ध के समय काफी उपलब्ध की जाएंगी, बहुत उपयोगी होंगी, तो आपको याद रखना है। हाल ही में डीआरडीओ ने एक एंटी गाइडेड मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस हीरोइन का वैक्स स्टैच्यू मैडम तुसाद म्यूजियम में लगाया गया है, तो इसका सही ऑप्शन है दीपिका पादुकोण। हाल ही में दीपिका पादुकोण का स्टैच्यू वैक्स स्टैच्यू मैडम तुसाद म्यूजियम में भी लगाया गया है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको प्रियंका चोपड़ा जी के बारे में बता दें, जो ये भारत की सबसे ज्यादा वैक्स स्टैच्यू जिस भी हीरोइन के लगे हैं वह हैं प्रियंका चोपड़ा। भारत से प्रियंका चोपड़ा के सबसे ज्यादा 4 वैक्स स्टैच्यू लगे हैं, तो आपको याद रखना है प्रियंका चोपड़ा। और हाल ही में दीपिका पादुकोण का भी स्टैच्यू मैडम तुसाद म्यूजियम में लगाया गया है। चित्र में आप देख पा रहे होंगे ये जो स्टैच्यू के साथ हैं वह है रणवीर सिंह और ये दीपिका पादुकोण का स्टैच्यू है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में मध्य प्रदेश के भगोरिया हाट कहाँ आयोजित किया गया है, तो मध्य प्रदेश में भगोरिया हाट झाबुआ में हाल ही में आयोजित किया गया है, तो सही ऑप्शन है झाबुआ। आपको बता दें यह मध्य प्रदेश का एक लोक संस्कृति का उत्सव है, आदिवासी जनजाति भगोरिया द्वारा इस हाट को मनाया जाता है। अब बात आई है झाबुआ की, तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको झाबुआ के बारे में बता दें, यह मध्य प्रदेश का इंदौर संभाग का एक जिला है। भारत का प्रथम आदिवासी शोध केंद्र झाबुआ में ही स्थित है। पहलताबाद में खेल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया गया था। हाल ही में कड़कनाथ मुर्गे के लिए झाबुआ प्रसिद्ध है। मेघनगर औद्योगिक केंद्र है झाबुआ में, तो इतना आपको झाबुआ के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में ट्रैक दोहरीकरण का शिलान्यास किया गया है, तो इसका सही ऑप्शन है नीमच। हाल ही में नीमच में जो रेलवे ट्रैक है उसके दोहरीकरण का शिलान्यास किया है। आपको बता दें इसका शिलान्यास केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने इसका शिलान्यास किया है। अब बात आई है नीमच की, तो आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट नीमच के बारे में बता दें, यह उज्जैन संभाग का एक जिला है। सीआरपीएफ की जन्मस्थली के रूप में नीमच को जाना जाता है। आंखों के दान की राजधानी भी नीमच को कहा जाता है। झांतला जो मध्य प्रदेश का प्रथम ग्राम पंचायत है वह भी नीमच में ही स्थित है। कुंकडेश्वर प्राचीन पुरातात्विक स्थल भी नीमच में ही स्थित है, तो इतना आपको नीमच के बारे में याद रखना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डेली करंट अफेयर। आप हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल हम आपके साथ फिर मध्य प्रदेश और वर्ल्ड के इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।